ये जो घटना हुई है ये हुई है 7:44 की, और जैसी हुई है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं, या दो खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटते तो इतनी तेज आवाज कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुब्बार था, पूरा धुआं का। बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं, और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए, कि क्या हो सकता है। जब आप आए तो पुलिस कितनी देर के बाद यहाँ पर आई? पुलिस आ गई थी, ये नहीं कहूंगा कि पुलिस आ गई थी विद इन 5 मिनट, क्योंकि ये आवाज यहाँ पे क्राइम ब्रांच है बिल्कुल आगे जाके, तो क्राइम ब्रांच तक आई है और तभी सब सुन के आया। और यहाँ पे पुलिस की चौकी भी है, तो सब पीछे रोहिणी कोट भी है। तो एक बात है कि यहाँ तो वैसी सिक्योरिटी कंसर्न ज्यादा है बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है, वरना शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। किसी की हताहत होने की खबर है भी नहीं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। बस हमारा गार्ड ने सुबह 7:40 पे फोन कराया कि यहाँ बम फूटा है। तो ये बम जो फूटा वो CRPF स्कूल के सामने है। तो हम बाबा के यहाँ आए तो यहाँ पे बहुत सारा धुआं था, 6-7 फुट ऊपर धुआं ही धुआं था, 6-7 फुट ऊंचा धुआं ही धुआं नजर आया है, जिसके कारण ये पूरी बिल्डिंग में सारे शीशे टूट गए हैं, सारे बोर्ड टूट गए हैं, और ये अभी तक पता नहीं चला। पुलिस पूरी यहाँ पे आई है, फोर्स पूरी यहाँ पे आई हुई है, ये पता नहीं चला अब क्या फूटा है क्या नहीं फूटा। ये अभी सारी इंक्वायरी चल रही है और बाकी हम देखो क्या होता है। ये पुलिस वाले ही बताएंगे या स्क्वाड वाले बताएंगे हमें। मैं यही परेशान से हमें रहने वाला हूँ। और ये जो सुबह धमाका हुआ है 7:40 के अराउंड हुआ है, घर के शीशे वगैरह हिले हैं हमारे भी। और सबसे मतलब ये है कि एक तो स्कूल में बच्चे नहीं थे, सुबह ट्रैफिक रहता है बसों का, शाम को ट्रैफिक रहता है यहाँ पर गाड़ियाँ वाले का बहुत ट्रैफिक रहता है। तो ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। जब आप आए थे तो क्या देखा यहाँ पर? बस अभी थोड़ी देर पहले मैं आया हूँ तो मेरे को किसी ने बताया यहाँ पर एक गुब्बारा टाइप होगा हवा में, ये पता चला था मैं जब तक मैं आया हूँ। धुआं बहुत ज़्यादा था।